कैसे हो आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से एक नई जगह पे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे पीछे आप देख रहे हो अभी एक शॉपिंग सेंटर है आस्था करके, और मैं यहाँ पे आया हूँ एक नई जगह है ब्राइटन मरीना। लास्ट टाइम हम लोग आए थे ब्राइटन में, ब्राइटन नहीं है ये, उसके आगे है थोड़ा ब्राइटन मरीना। यहाँ पे स्पेशली लोग आते हैं मरीन, जो समुद्री राइड्स और समुद्र के जहाज़ वगैरह देखने के लिए आते हैं यहाँ पे आके हैं। तो आज का पूरा व्लॉग यही पे होगा, मिलते हैं फिर अगले पॉइंट पे। सबसे बड़ी बात कि ठंडी है आज यहाँ पे, बहुत ठंडी है। जैकेट वैकेट लगा लिया और ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो, बट दोपहर का अभी 1 बजा है तो सन तो नहीं था ज़्यादा, धूप भी नहीं है। मैं बोला चलो आज निकल जाता ऐसे घूमने के लिए, तो आ गया हूँ मैं अभी। ठीक है, अच्छा है, क्वाइट प्लेस है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। वहाँ पे जो है वो सिनेमा हॉल है, वहाँ पे इंग्लिश हिंदी सब मूवी वगैरह आती है। ये देखो शॉप्स वगैरह आ गए यहाँ पे, और इस टाइप का है ये जो पीछे जो देख रहे हो बोट, वो टाइप का है। तो ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी जाएंगे आगे। और यहाँ पे अभी क्रिसमस आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, इसके लिए पीछे अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, झरना है, बहुत अच्छा है। ठंड है हर जगह, इसके लिए थोड़ा व्यू जो है वो थोड़ा डार्क हो रहा है, इतना खास नहीं हो रहा है व्यू, ठीक है। अभी तो यहाँ पे कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हम लोग कि सन निकलेगा और धूप अच्छी होगी, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी विंटर है, तो विंटर में तो यहाँ पे क्या पूरे इंग्लैंड में अभी तो ठंडी रहेगा। कल भी बहुत ठंडी थी, कल थोड़ा बारिश हो रहा था तो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। मैं बोला चलो एक जगह भी जा रहा था, वो भी नई जगह थी, अच्छी जगह थी, वहाँ पे नहीं जा पाया मैं, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे चला जाता हूँ आज। अच्छा है, क्वाइट है, पीछे जो है वो वाइट चट्टान है, जैसे उसके ऊपर से ही रास्ता है, तो वहाँ से ही कार सीध लेके आ सकते हो आप। ट्रेन नहीं आती है, बस आएगी, क्योंकि ब्राइटन से अगर आप आ रहे हो बस यहाँ पे 24 आवर है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा और फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे लगी हुई है बोट, वो सब VIP बोलते हैं, याच के लिए। देखो सेल के लिए भी, किसी पानी अभी शायद हाई टाइड है इसके लिए बोट, और पानी भी हाई है थोड़ा। अमनपुरी लंदन देख सकते हैं आप, अमनपुरी लंदन का कोई नाम है बोट का, लेकिन बहुत अच्छी प्लेस है वो, आप देख सकते हो वाइट जो पहाड़ है, वो लगता है कि जैसे कोई गिरने वाला, पर ऐसे गिर नहीं सकता, उन लोगों ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है वो। उसके ऊपर रास्ता है, ऊपर से वो सब गाड़ी, मैंने आपको बताया था गाड़ी वगैरह ऊपर से आ रहे हैं, और बहुत अच्छा किया है। वहाँ तो पास में जा नहीं सकता था, बट बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, फैमिली लेके भी आप यहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए। मैंने तो यहाँ पे पहले भी विजिट किया है, और यहाँ पे आके आपको शॉपिंग सेंटर मिल जाएगा, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और फिशिंग के लिए ठीक है, अच्छा एडवेंचर है। आप अगर कोई फिशिंग, वैसे मेरा भी तो फेवरेट ये है फिशिंग है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं अभी फिशिंग नहीं कर रहा हूँ, और दूसरी बात कि जो फिशिंग के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे उसकी सुविधा है, बुकिंग ऑनलाइन पे भी हो सकती है, जैसे किसी को फिशिंग करना है, क्योंकि मैं देखा था ऑनलाइन में यहाँ पे एक बोट रहती है, उसमें वो लोग ग्रुप के हिसाब से आपको टाइमिंग दे देंगे, कुछ 8-10 आदमी का ग्रुप बना के आपको लेके जाएंगे समुद्र में आपको सीधे लेके जाएंगे, और फिशिंग रोड वगैरह सब वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को लाना नहीं पड़ता है, तो वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमको ईजी पड़ जाता है, फिशिंग कर सकते हो दरिया में, मतलब एक भी एक एक्सपीरियंस है एक तरह का, क्योंकि लोग क्या कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ पे, यहाँ तो ये सब चीज़ ही है।
तो उसकी उन लोगों ने सुविधा दी है। तो गाइस ये था अब जैसे हम लोग इंडिया में कैसे इंडिया के हर जगह पे जैसे कैसे कार पार्क करते हैं ना, कार वगैरह पार्क करें ना, वैसे ये लोग यहाँ पे बोट पार्क करके रखते हैं। वहाँ से पूरा कवर्ड है, मतलब पूरा उन लोगों ने बॉर्डर बनाया है ताकि तूफान और पानी भी अगर हाई हो जाए तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इस तरफ जो है वो सब सोसाइटी है, मतलब घर वगैरह है, तो सी व्यू हो जाता है, मतलब सी व्यू के पॉइंट हो जाता है। और दूसरा के बोट की सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने देखा कि एक्चुअली मैं उसमें गूगल में उसका पिक्चर देखा तो बहुत अच्छा दिख रहा था, जैसे दुबई में कैसे पलमेरा है वो आइलैंड बनाया ना पानी में उन लोगों ने वो ट्री शेप में, तो वो टाइप में दिखता है क्योंकि सब बोट जो है ना एकदम लाइन टू लाइन लगी हुई है यहाँ पे और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं वो लोग। तो गवर्नमेंट और उसका कुछ कंट्री भी रहता होगा क्योंकि फ्री में तो यहाँ पे कुछ मिलता नहीं आपको। और दूसरी बात के मैं बता रहा था फिशिंग के लिए, वो आगे से है, यहाँ पे आगे भी कर सकते हो, वो पॉइंट पे भी मैंने चेक किया था यहाँ आगे पे जो आगे उसका रूल्स एंड गाइडेंस सब लिखा हुआ है आगे बोर्ड, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे फिशिंग करना भी प्लान है तो कर सकते हो, आपका खुद का भी रहेगा। बट अगर आप ऐसे ही मतलब हॉबीज़ के लिए आ रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे आपको बुकिंग करने के बाद वो लोग ही गाइडेंस देंगे और सब कुछ वो लोग देंगे, सो ईजी है। आओ यार, आओ खाओ पियो मज़े करो घूमो, और क्या है ज़िंदगी में, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी देख दी। तो गाइस ये जो है ना वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में डाला था मैंने ब्राइटन का, तो ब्राइटन से ये लगभग 2-4 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है, 2 माइल ही होगा शायद, 2-3 माइल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनें आएगी। सबसे बड़ी बात कि ट्रेन नहीं आ रही, अगर आप ब्राइटन में आ रहे हो ट्रेन से, लंदन से ब्राइटन आ रहे हो तो आपको ब्राइटन से बस लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आप सीधे आ सकते हो। देख सकते हो आप मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत है और पानी भी आज शांत है, सो कुछ ज़्यादा हवा नहीं चल रही अभी, तो हवा भी चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने जो बॉर्डर देखा ना वो बहुत अच्छा बनाया उन लोगों ने पूरा, वो अगर आप देख रहे हो ब्राइटन मरीना करके सर्च कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी सनशाइन नहीं है, ये ठीक है, अभी आप विंटर में आ रहे हो तो ये एक्सेप्ट कर सकते हो, बट अब समर में अगर आप आ रहे हो प्लान करके तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक एकदम जगह है। तो मेन चीज़ हम लोग को देखनी थी वही बंद आज, एक आदमी था वहाँ पे फिशिंग कर रहा था, उसको पूछा मैंने क्योंकि मैंने जाने के लिए ट्राई किया, मैं बोला उस पर जम करके चला जाता हूँ, तो बोला कि मत जाओ बोला था क्योंकि अलाउ नहीं है, क्योंकि आगे से वो लोग ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है आप देख सकते हो बोला। तो मुझे जाने का अभी देखने के लिए बोट, क्योंकि ऐसे तो क्यों क्या है, जो मेन पॉइंट था ना वो जो मेन व्यू था ना वो वहीं से था, जो हमारा मेन पॉइंट था जो एकदम किनारे के जो एंड था ना वो वहीं पे था, वहीं से देख लेते थे तो बहुत अच्छा रहता था क्योंकि पूरा बोट का सीन जैसे कैसे पार्क किया हुआ है और जिस तरह वो लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा अभी आया तो कि ये देख सकते हो आप मेरे पीछे बोट, ये बोट लगा दिया, परमिट रिक्वायर्ड, ये देखो फुटपाथ बन कर दिया। और यहाँ पे मैंने देखा पहले तो सीधा रास्ता था, अभी उन लोगों ने कनाल बना लिया, जो कनाल क्या है जो गेट खुलते हैं जो अंडर बोट वो लोग डाल हो जाती है, अंडर बोट चली जाती है उसको बाहर निकालने के लिए एक कनाल रहता है, तो पानी उसको लो और हाई करते हैं तो वो बना दिया है। उस पर भी मैंने देखा कि ये भी नया बन गया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो नहीं था वो, और अभी उन लोगों ने ये बना दिया है, पता नहीं कुछ शायद अपडेट किया होगा, पर ठीक है। मेन जो चीज़ था वो ही नहीं जा पाए हम लोग, मेन मतलब जो हमारा एंड देखना था वो जो समुद्र का जो किनारा एकदम सटीक दिखता था वो, तो वहाँ नहीं जा पाया। बट अभी चलते हैं, अभी आगे शॉपिंग मॉल है और रेस्टोरेंट्स वगैरह वहीं पे है। तो फाइनली बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ भी पहुँचना पड़ा क्योंकि पूरा वो बंद हो गया था, देखो यहाँ तक उसकी वॉल जाती है, पूरा जो हमने देखा था ना वो यहाँ तक उसकी वॉल जाती है, ये पूरा घूम के हम लोग यहाँ पे आते पॉइंट पे ये वॉल से। बट ठीक है, अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह आ गए हैं, यहाँ आगे ही है मेरे शॉपिंग सेंटर है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और
ये है रेस्टोरेंट्स, चिल कर सकते हो यहाँ पे आप, कुछ भी खाना पीना एज पर ऑर्डर रहेगा। तो ज़्यादा बिजी नहीं आज, शायद वेदर है और अभी ऑफ सीज़न है, बट पता रहता। और मैंने बताया था एक चीज़ की, जो फिशिंग करने के लिए जा सकते हो आप, तो जो यहाँ से है ये है उसकी बोट, ये जो बोट है वो लेके जाती है फिशिंग के लिए। देखो फिशिंग रोड्स वगैरह है यहाँ पे, लगता है यहाँ से दो तीन बोट चली गई है लगता है, और क्योंकि वहाँ से सीधे जाएगी वो जो हाउस के जो एंड पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ से वो निकल जाती है बाहर। तो वही पॉइंट पे है हमारा जो जो कवर किया हुआ है ना उन लोगों ने, वो वहाँ पे था। और ये जो बोट है वो पैसेंजर बोट है, आपको समुंदर में घूमने के लिए लेके जा सकते हैं अगर आप ठीक है बुकिंग करके आ रहे हो, तो सब इजी पड़ेगा, चीप पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे तो रेट भी लगा दिया उन लोगों ने, आप देख सकते हो यहाँ पे पर ट्रिप कैसा बोट है, क्योंकि यहाँ पे आके क्या पानी में उन लोगों ने विंड मिल लगाया है। विंड मिल बोले तो पवन चक्की लगाई है जिससे पावर जनरेट होता है, तो उसको वहाँ तक आपको राउंड मारने के लिए लेके जा सकते हैं। वो पानी में पूरा बिल्ड किया हुआ है उन लोगों ने, तो टाइम से बिल्ड किया हुआ है, लगभग 2-3 साल हो गए, बट ठीक है, देखने के लायक है वो भी पानी में कैसे बिल्ड किया उन लोगों ने और कैसे उसका मैनेज है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, थोड़ा तो कुछ स्नैक वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बहुत चलना पड़ा यार। मुझे तो लगा था कि नज़दीक में होगा और उन लोगों ने बंद कर दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, अगर मैं चला भी जाता तो वहाँ पे क्या फ़ाइन वगैरह हो जाता, क्योंकि अभी तो कैमरा भी लगा दिया मैंने देखा उधर कि कैमरा भी था, तो अभी उसके लिए क्या फिर अंदर जाऊँगा, कोई आके बोलेगा कि यार कहाँ घूम रहा है क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा शॉपिंग सेंटर है, तो अच्छा है बट ठीक है, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं था। मुझे लगा कि यार वो बंद हो गया तो अभी क्या देखना है, तो देखते हैं अभी यार, कुछ खाने का टाइम हो गया, मेरे तो भूख लग रहा है भाई, कितना घूमूंगा यार, यहाँ तो ठंडी है इसके जल्दी भूख लग जाता है। यहाँ पे अगर आप बस में से आ रहे हो तो यहाँ पे एक है बस का, बस स्टॉप यहीं पे रुकती है, तो इजी पड़ेगा आपको, बस स्टॉप से यहाँ पे उतर जाएंगे तो सब जगह कवर हो जाएगी। और आगे एक पिज्ज़ा हट है, यहाँ पे कार पार्क का भी है, तो अभी हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स कुछ खाते हैं। मैकडोनल्ड्स में थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिया, क्योंकि सुबह जब निकला था तो कुछ नाश्ता नहीं किया था, मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेता हूँ, टाइम है। और ऐसे यहाँ से आगे जो है ये है जहाँ आप कैसीनो है, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। और यहाँ आगे एक पिज्ज़ा हट है, तो ये था ओवरऑल का जो ये एक्चुअली एंड पॉइंट है, इससे आगे तो कुछ है नहीं अभी, तो ओवरऑल ये था। और मुझे यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ देखना था, सिने वर्ल्ड करके यहाँ पे रहता है, उसमें है ना मूवी वगैरह आप देख सकते हो, जी आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये उसका नाम है सिने वर्ल्ड, उसमें जो है ना उसमें क्या रहते हैं कि बॉलीवुड की मूवी, लेकिन बहुत कम रहती है बॉलीवुड की, बट हाँ हॉली यहाँ पे जब मूवी वगैरह चलती है वो एंटरटेनमेंट चलता है। अभी अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये सर्कल पे है, यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ पार्क वगैरह है, तो मूवी कौन से हो तो उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा मुझे, बट ठीक था, ज़्यादा दूर नहीं है तो इजी था। अभी अगली जगह पे जहाँ प्लान किया था वहीं पे जाना पड़ेगा, मिलते हैं अगली जगह पे, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे भी जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और
देखते हैं अभी कैसा होता है, क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अभी विंटर है तो ऑफ सीजन रहता है। इसके लिए वही मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, जैसे कुछ बंद हो जाता है, कुछ खुली रहती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।